दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका अष्टोफ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, तुलसी जो है हमारे आयुर्वेदिक में और हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है। दोस्तों, आपके घर में, सभी घर में तुलसी होगी, काफी लोगों के घर में नहीं भी होगी, लेकिन तुलसी के बहुत ही खास प्रयोग होते हैं जो जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं होती है और जिसके कारण आप बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। आज मैं आपको तुलसी के बहुत ही खास टोटके, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में यदि बहुत सारी परेशानी चल रही है, या वास्तु दोष है, या फिर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आप इन छोटे प्रयोग को करने के बाद में कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपके घर में मैरिज प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ करके जो तुलसी माता होंगी, तो तुलसी माता को एक लोटा में जल लेकर के आपको उनको चढ़ाना है और साथ में आपको 108 बार ओम वृंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना मन में रखते हुए कि जो भी आपकी मैरिज में परेशानियां आ रही हैं वो सॉल्व हो जाए। तो ये करने से दोस्तों आपको 21 से 41 दिन में आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल जाएगा। बस आपको याद रखना है कि जल इतना चढ़ाएं कि उनको ज्यादा गीला ना हो, गमला का ज्यादा खराब हो जाएगा, या गमले में है जहां भी है तो तुलसी खराब ना हो, तुलसी को ध्यान में रखते हुए इसमें जल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें 108 बार ओम वृंदाय नमः। अब दूसरा टॉपिक ये है दोस्तों कि यदि आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसी कोई भी संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन करना है। अगर व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रयोग दोस्तों आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है। किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं और हर शुक्रवार को इस प्रयोग को करें। 3 शुक्रवार या 2 शुक्रवार में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक किसी भी पात्र में, आपको तांबे के पात्र में ले लो, ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा आपको दूध मिला देना है, कच्चा दूध गाय का मिला देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। थोड़ा सा दूध मिला दें और साथ में थोड़ा सा कुछ भोग ले लें, यानी कि कुछ मिठाई वगैरह ले लें, 5 पीस ले लें या 7 पीस ले लें, जो भी होगा आपको, जितने भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तुलसी माता में आपको जल चढ़ाना है। दोस्तों, याद रहे कि तुलसी में ज्यादा दूध मात्रा अगर चढ़ाएंगे तो तुलसी खराब हो जाएगी, तो आपको तुलसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में आप 6-7 बूंद कच्चा दूध डाल दें गाय का और तुलसी माता को अर्पित कर दें। उसके बाद में थोड़ी सी क्वांटिटी में, जो आपने जितने भी अपने 7 पीस 5 पीस जो भी मीठा आपने भोग के लिए लिया था, तो थोड़ा सा उसमें से भोग निकाल करके तुलसी माता को अर्पित कर दें। और उसके बाद में जो भी आपने जो मिठाई जो बची होगी वो किसी जरूरतमंद को, बच्चों को या गरीबों को दे दें, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो गौ माता को खिला दें। इससे आप देखेंगे कि 1 या 2 शुक्रवार इस प्रयोग को करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करने लगेगा, कस्टमर्स की लाइंस लग जाएगी आपके सामने। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि आपके घर में यदि वास्तु दोष है। दोस्तों, वास्तु दोष अगर घर में होता है तो बिना मतलब की परेशानियां, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा लगी रहती है। हम जिस घर में रहते हैं हमें चारों कोनों में से एक एनर्जी निकलती है, हमारी बॉडी में भी एक एनर्जी होती है। ये बॉडी, ये एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के साथ साथ में हमारी जिंदगी में बहुत इफेक्ट डालती है। तो अगर ये नेगेटिव एनर्जी अगर बार बार बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है। तो आपको तुलसी माता का ये प्रयोग कर लेंगे तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो निकल रही होती है वो तुलसी माता उनको सोख लेती है। तो आपको क्या करना है, अपने घर की जो ईशान दिशा होगी, यानी कि उत्तर और पूर्व की जो ईशान दिशा होगी, काफी लोग जो होते हैं घर तोड़वा नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है कि अब घर बन गया है, तोड़वा करके उसको नया नहीं बनवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तुलसी माता का पौधा ले लें, उसको पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं, वैसे ईशान दिशा में रखेंगे, उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोना बनता है उसे ईशान दिशा कहा जाता है। तो ईशान कोण में आप एक तुलसी माता का एक पौधा रख दें और वहां पर डेली सुबह में आप सूर्योदय के साथ में उन पर डेली जल चढ़ाएं। तो प्रतिदिन यदि आप जल चढ़ाते हैं तो प्रतिदिन की जो आपकी होगी वहां पर आपको सुरक्षा कवच लग जाएगा, यानी कि हर एक दिन जिस दिन भी आप जल चढ़ाएंगे तो उस दिन की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी वो तुलसी माता उसको सोख लेंगी। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा यदि मात्रा में वास्तु दोष होता है तो तुलसी माता वहां से सूख भी सकती है, तो आपको उनको अलग करके विसर्जन करके नई तुलसी वहां पर स्थापित कर देनी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की। अगर आपके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, यानी कि बीमारियां बहुत ज्यादा है, किसी न किसी बहाने से बीमारियां आती रहती हैं, बीमारियां अगर रहती हैं दोस्तों तो पैसा बिना वजह खर्च होता है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी वजह से बार बार बीमारी कोई ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बीमारी है, तो आपको इस प्रयोग को सोमवार से शुरू करना है। सोमवार के दिन में आपको क्या लेना है, एक किसी भी पात्र में, लोटे में, ग्लास में, किसी भी चीज में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें 3-4 दाने आपको क्या करना है, चीनी के छोटे छोटे दाने, ज्यादा चीनी ना लें, सिर्फ सोमवार के दिन ही आप इस प्रयोग को करेंगे और सुबह में करेंगे।
तीन चार दाने लेकर के घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, जिसको बीमारी है वो भी कर सकता है, या किसी घर का कोई सदस्य अपने घर के सदस्य के लिए भी इस प्रयोग को कर सकता है। तो तीन चार दाने लें और उसमें जो आपकी जो तुलसा माता होंगी, तो तुलसा जी में उस जल को सोमवार की सोमवार आप अर्पित करना शुरू करें, 7 सोमवार तक लगातार करिए, आपको बीच में इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। अगर किसी वजह से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 11 सोमवार भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, आपको 7 सोमवार से इसका रिजल्ट मिलने लगेगा, बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप से बात करते हैं कि यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है जो आपको पूरी करना चाहते हैं, तो तुलसी का ये उपाय आपको आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगा। दोस्तों याद रहे कि हमारे घर में यदि नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा रहती हैं, तो कोई भी मनोकामना पूर्ण होने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी अपना वर्क करती है वो नहीं कर पाती है। तो आपको सबसे पहले तुलसी के इस प्रयोग से अपने घर की जो नेगेटिविटी होगी उसको हटाना है। अगर आपके घर की नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, हर चीज वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक ग्लास में या लोटे में जो भी हो आपको शुद्ध जल लेना है। आपको ये प्रयोग किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, सुबह में एक लोटा या एक ग्लास में एक जल ले लें, आप उसको उसमें तुलसा माता के 4-5 आपको पत्ते तोड़ करके डालना है। लेकिन पत्ते दोस्तों आप जब तुलसी से तोड़ेंगे तो सबसे पहले उनसे आज्ञा लेनी है, आपको 7 बार ओम वृंदाय नमः इस मंत्र का जाप करके तुलसी माता के थोड़े से पेड़ को हिला दें, उसके बाद में उनसे आज्ञा लेकर के उनके 4-5 पत्ते आप तोड़ लें। पत्ते तोड़ करके आपको सुबह में इस प्रयोग को करना है, तो जो आपने जिसमें पानी लिया हुआ था, जिस भी पात्र में आपने पानी लिया है उसमें इन पत्तों को आप डाल देंगे। डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसको रात भर पूरा दिन भर रात भर उसको वैसे कहीं कहीं पवित्र स्थान में कहीं रख दें, वैसे आपको रखे रहने देना है। और फिर दूसरे दिन सुबह आपको क्या करना है, उसी पानी को आपका जो मेन डोर होगा, आपके घर का जो मेन दरवाजा होगा जहां से पूरी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जियां प्रवेश करती हैं, वहां पर उस जल को आपको डाल देना है। आपको पोछना नहीं है दोस्तों उस पानी को, जब वो पानी आप डाल देते हैं तो उसको डले रहने दें, अपने आप ही सूख जाने दें। जब तक वो पानी डला रहेगा और जितने घर में जो भी दोष होंगे, आपके घर में वास्तु दोष होंगे, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी या तंत्र मंत्र होगा, जो भी A to Z होगा, वो सारी चीजें उस चीज को सोख लेगा और आपके घर में से जो परेशानियां आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगे। यही प्रयोग आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 दिन लगातार कर सकते हैं और आप चाहे तो पूरे वीक पूरा हफ्ता भी कर सकते हैं, और आपको जैसा सही लगता है वैसा कर सकते हैं। अगर तुलसी के पत्ते डेली मिल जाते हैं तो आप इस प्रयोग को डेली भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा इस प्रयोग को करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।